बात ये लोग कह रहा है कि अच्छा आप बताइए, दुनिया की कोई भी औरत बिन शादी के बच्चा तो उसका पैदा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे जब बच्चा पैदा हो कोई ना कोई तो बाप होगा। हाँ, तो अगर आप कला करती है, नृत्य करती है, तो बच्चे आए कहाँ से? बिल्कुल। आप कहती है कि 10 में से हम किसी एक से संबंध बनाते हैं, तो वो कैसा है कि अगर 10 में से किसी एक से संबंध बनाते हैं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर किसी स्त्री से मोहब्बत करे तो क्या वो चाहेगा कि वो 10 लोगों के हाथ में जाए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा वो। तो हमारे इसीलिए कदम हटाए और कदम पीछे नहीं हटा रहे हैं। अच्छा, यहाँ गलत काम होता है बेटा? गलत काम होता है, गलत काम होता है, अभिवृद्धि होता है। हाँ, किस क्लास में हो आप? 7 में। अब सोचिए, बच्चा बता रहा है, ये बच्चा तो झूठ नहीं बोलेगा ना। ये सब घर उन्हीं लोगों का है? उन्हीं के घर है। ये दिखा दीजिए, दर्शकों दिखा दीजिए, दर्शकों को दिखाओ। ये सुशील जी, ये जो घर दिख रहा है आपको, ये घर अभी हाल ही में बना हुआ है, लाखों रुपए खर्च किया गया है बनाने के लिए, और शायद ये वाला भी घर उन्हीं लोगों का है। ये आइए देख लीजिए, सुशील जी देख लीजिए, सुशील जी दिखा दीजिए दर्शकों को। ये देखिए, ये भी घर बताया जा रहा है कि उन्हीं लोगों का है, ये बताया जा रहा है कि उन्हीं लोगों का है। ये इतना खूबसूरत घर आप गाँव में और लोगों का घर देखेंगे तो बहुत छोटा सा है, और झुकी झोपड़ियों में रह रहे हैं, और प्रधान पुत्र आरोप लगा रहे हैं कि ये घर उन्हीं लोगों का है, गलत काम करके ये पैसा कमा करके इन्होंने घर बनवाया है। और ये देख, तो दर्शकों इस वक्त मैं हूँ गाजीपुर के बासुका गांव में, और ये बासुका गांव, ये जान लीजिए, अच्छे कामों के लिए प्रसिद्ध नहीं है साहब। बासुका गांव, यहाँ पर MBBS डॉक्टर हैं, यहाँ पर IG हैं, DIG हैं, यहाँ के लोग हुए हैं यहाँ से, और यहाँ से लड़के सेना में भी शहीद हुए हैं, लेकिन उस वजह से बासुका गांव का नाम नहीं है। बासुका गांव को अब लोग जानने लगे हैं तो गंदे कामों के लिए। बासुका गांव को मीठा गांव बोलते हैं। आइए, यहाँ पर लोग हैं, पूछते हैं आखिर क्यों चर्चाओं में है बासुका गांव, और बासुका गांव में होता क्या है? यहाँ पर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सैफ। अच्छा, आप यहाँ पर गांव में प्रधान से क्या संबंध रखते हैं इस गांव के? मैं प्रधान पुत्र हूँ। प्रधान पुत्र हैं। अच्छा, ये बताइए, बासुका गांव इस वक्त काफ़ी चर्चे में है। बासुका गांव में अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर जो है, यहाँ से सेना शहीद भी हुए हैं, MBBS डॉक्टर भी हैं, DIG भी हैं, IG भी हैं, SSP भी हैं इस गाँव से, ठीक है, लेकिन उस लिए ये गाँव नहीं जाना जाता। तब इस गांव को किस नाम से जानते हैं? देखिए, बहुत बड़ा दुख होता है हमें कि हमारे गांव में भारत के हर विभाग में लगभग लोग मिलेंगे, लेकिन बहुत शर्म की बात है कि तवायफों के नाम से हमारा गांव प्रसिद्ध है। मुजरा वालियों के, मुजरा नाम, जिसे लोग हमारे ठेठ भाषा में, भोजपुरी में रंडी कहते हैं, वैश्या कहते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हम 1983 में लोगों ने इसका विरोध किया था। अच्छा, 1983 बहुत पहले लोगों ने किया था। हाँ। लेकिन उस समय सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, दुनिया इतना फास्ट नहीं थी। तो क्या हुआ कि 1983 में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तुलसी राजभर को मार दिया जाता है। अच्छा अच्छा, कौन मरवा था, कुछ पता चला? बिहार के गुंडे थे। अच्छा, अच्छा। जो उनके घर आए हुए थे, और लोगों ने विरोध किया कि भैया आप गाँव में ये काम नहीं होगा। तो उस समय कम घर था। अच्छा, उन्होंने विरोध किया था कि यहाँ पर ये काम, गलत काम नहीं होगा और उनकी मर्डर हो जाती है। फिर उसके बाद लोगों के अंदर डर हो जाता, जानते हैं मौत का डर सबको है। डर होने के बाद भाई उतना दुनिया तेज नहीं थी, लोग उतना समझदार नहीं थे, पढ़े लिखे शिक्षित नहीं थे, अशिक्षित लोग थे। तो फिर उसके बाद फिर वह बात दब गई। फिर किसी तरह 1992 में ये बात उठी, उठी 92 में। फिर क्या हुआ, जिस व्यक्ति इम्तियाज करके, वह व्यक्ति थे छोटे मोहल्ला करके, उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन विरोध करने के पश्चात फिर उनको जो है कि मार दिया जाता है। अच्छा, इम्तियाज को भी मार दिया जाता है। सोचिए दर्शकों, इम्तियाज बेचारे विरोध करते हैं कि गाँव में गलत काम नहीं होगा, गाँव में जिसमें फिरोसी नहीं होगा, देह का व्यापार नहीं होगा, इम्तियाज को, बेगुनाह इम्तियाज को मार दिया जाता है। कितने शर्मनाक बात है ना, जो अपनी आवाज उठाएगा उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी, उसको दफन कर दिया जाएगा, ऐसा होता है। जी जी, हमारे कहने का मतलब है लोग, हमारे कहने का मतलब है कि घुट घुट से मरने से अच्छा है कि हम ये कहीं दिन मर जाए। कहने का मतलब ये है कि देखिए, अपराध करना गलत तो है, लेकिन अपराध सहना उससे भी बड़ा जुल्म है। क्या लगता है आपको, जिस तरह से अब ये मामला पूरे उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में छा गया है कि यहाँ पर देह व्यापार होता है, ये खबरें चल रही है कि यहाँ पर देह व्यापार होता है, तो क्या आपको लगता है कि अब फायदा होगा जो पहले लोगों ने नहीं कर पाया, जिस तरह से उनकी आवाज़ दबा दिया जाता था, उनको मार दिया जाता था, अब आपको लगता है कि सफल हो जाएंगे आप लोग? आशा ही नहीं, पूरा विश्वास हमें है कि हम सफल हो जाएंगे। सफल होने का सबसे बड़ा रीज़न एक है, सफल होने का रीजन ये है कि सोशल मीडिया का नेटवर्किंग बहुत फास्ट है। आप लोगों की वजह से हमारी आवाजों को दबाया नहीं गया, और योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आशा ही नहीं, विश्वास है कि इस सरकार में हमारे साथ न्याय होगा। और दूसरी बात, ये लोग कह रहा है कि अच्छा आप बताइए, दुनिया की कोई भी औरत बिन शादी के बच्चा तो उसका पैदा नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। अरे जब बच्चा पैदा हो कोई ना कोई तो बाप होगा। अगर आप कला करती है, नृत्य करती है, तो बच्चे आए कहां से? बिल्कुल। आप कहती है कि 10 में से हम किसी एक से संबंध बनाते हैं, तो वो कैसा है कि
अगर 10 में से किसी एक से संबंध बनाते, दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर किसी स्त्री से मोहब्बत करे तो क्या वो चाहेगा कि वो 10 लोगों के हाथ में जाए? बिल्कुल नहीं चाहेगा वो। तो हमारा विरोध यही है कि आप लोग ये गंदा काम गांव में ना करें। अगर आपको कलंकित जिंदगी करना ही है तो शहरों में रेड लाइट एरिया वगैरह बने, वहां करिए। और ये लोग कह रहे, बार बार कह रहा है कि रोजी रोटी, पैसा तो इनके इतने है कि पूछिए मत। इनके बड़े बड़े बिल्डिंग है, आपने उनका घर भी देखा होगा। इनका घर यही है, ये सब घर उन्हीं लोगों का, उन्हीं का घर है। ये दिखा दीजिए दर्शकों, दिखा दीजिए दर्शकों को, दिखाओ ये सुशील जी, ये जो घर दिख रहा है आपको, ये घर अभी हाल ही में बना हुआ है, लाखों रुपए खर्च किया गया है बनाने के लिए, और शायद ये वाला भी घर उन्हीं लोगों का है। ये आइए देख लीजिए सुशील जी, देख लीजिए सुशील जी, दिखा दीजिए दर्शकों को। ये देखिए, ये भी घर बताया जा रहा है कि उन्हीं लोगों का है, ये बताया जा रहा है कि उन्हीं लोगों का है। ये इतना खूबसूरत घर, आप गांव में और लोगों का घर देखेंगे तो बहुत छोटा सा है और झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, और प्रधान पुत्र आरोप लगा रहे हैं कि ये घर उन्हीं लोगों का है, गलत काम करके ये पैसा कमा करके इन्होंने घर बनवाया है। और ये देखिए, यहाँ पर ताला लगा हुआ है साहब, यहाँ पर ताला लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर रहते नहीं है लोग। आ जाइए सुशील जी, यहाँ पर रहते नहीं लोग, ये बाहर रहते। अब बता दे कि हमारे गांव में लगभग 20 घरों में ये काम होता है, जिसमें 10 लोग बाहर करते हैं और 10 लोग यहाँ करते हैं। अच्छा, और लोग बाहर जाते हैं? 10 लोग बाहर करते हैं। हमारा विरोध यही है कि अगर आपको ये गंदगी करना है तो अब गाँव में हम नहीं सहेंगे। सबसे बड़ा रीजन, आप ये लोग कह रहे हैं कि इससे पहले लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया। मेरी एज 25 साल हो रही है, तो मैं अब जगह हूँ ना, कहने का मतलब है कि अब जाहिर सी बात, ये लोग बोल रहे हैं कि प्रधान जी, अरे आप एक बात जान जाइए कि गांव में कोई भी समस्या होगा तो लोग प्रधान के पास आएंगे। बिल्कुल, और प्रधान का, प्रधान गांव का मुखिया है, गांव का एक तरह से प्रधानमंत्री है, गांव का प्रधान, गांव का प्रधानमंत्री है, देश का नहीं है लेकिन गांव का जरूर है, गांव का मालिक है वो। अगर गांव में कोई भी समस्या होगी तो प्रधान का एक फर्ज बनता है कि जहाँ गलत है सही के लिए उनको खड़ा होना पड़ेगा, और उनके उनके उस उन लोगों के थ्रू जो लोग हैं, वो लोग कहने की प्रधान घूस मांग रहा है, ये है, उनका दिमाग डिस्टर्ब हो गया। आप समझ सकते हैं कि हमारे प्रधान को पागल बोल रहे हैं। जी वही तो है, आप समझ लीजिए कि हम कह रहे हैं कि हम 10 लोगों को पागल कह रहे हैं, 10 लोग पागल है कि हम पागल है, या तो खुद हम पागल है। तो पागल किसी के कहने से नहीं होगा। देखिए, एक कहावत है कि अगर नाली को साफ करना है तो उसमें छींटा पड़ेगा, तो हमें छींटा पे ध्यान नहीं देना, और आशा ही नहीं, विश्वास है कि हमारे साथ अन्याय होगा और बसुका गाँव में जो गंदा काम हो रहा है बंद होगा। अच्छा, गांव के ज्यादातर लोग, ज्यादातर पब्लिक पूरी गांव की अब इनके खिलाफ आ चुकी है, इनके खिलाफ आक्रोश कर दी है पूरी तरह से। आप समझिए, आक्रोश की बात यह है कि लगभग हर जाति के लोग मीडिया के सामने बोले, और एक महिला है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत शर्म की बात है। अच्छा, आप बताइए, अगर आप उनको भाई मानती है, प्रधान को भाई भी कह रही है, गुंडा भी कह रही है, गाली भी दे रही है, पहले तो आप अपने दिमाग से देख ले कि आप इनको मानती क्या है, मानती क्या, भाई मानती है, गुंडा मानती है, फिर कुछ भी मानती है। देखिए, दुनिया गांव गांव में जितने भी बिरादरी के लोग हैं, प्रधान के सब कोई ना कोई कुछ ना कुछ लगेगा, इसे कोई नकार नहीं सकता। और दूसरी बात, ये 50 लोगों को कह रही है कि, मतलब जो गांव के लोग विरोध कर रहे हैं तो कह रही है कि इनका दिमाग पगला गया है, गांव के लोग ये है वो है, मतलब लोग। महिला भी करती है क्या ऐसा जो बोल रही है? हाँ, वो धंधा ही वाला है। अच्छा, करती है, बल्कि वीडियोज में वो अब शब्द टिप्पणियों का प्रयोग किया गया, बोले प्रधान जी ये है वो है, प्रधान जी के घर में ये है, ऐसा है वैसा है, गुंडे हैं, बदमाश है, दारू बेचते हैं। अरे, हम रहे हैं प्रधान अगर गलत कर रहा है तो ये बोल रहे हैं कि मोहल्ले के लोग ये है, मतलब गलत काम करते हैं, असलाह बेचते। अरे, मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरा भाई गलत करेगा तो उसे तुम ये कराओ, मैं सबूत दिखाओ ना, प्रधान अगर गलत काम करता है सबूत दिखाओ आप। हाँ, और ये लोग पूरे गांव को गाली दे रही है कि ये, हमारे कहने का मतलब है कि अब इनका दिमाग, चूंकि इनको अब समझ में आ गया है कि हम गलत हैं, इस वजह से इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, अब शब्दों भाषाओं का ये प्रयोग कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अफरोज पड़ेगा। मोहम्मद अफरोज जी, आपका कितना उम्र है? हमारा उम्र 44 साल। 44 साल हो गया, जब से जानकार हुए हैं, जब से होश संभाले हैं, तब से आप ये चीज देख रहे हैं यहाँ पर कांड होते हुए? ये जी जी, कांड होते हुए हम लोग देख रहे हैं, लेकिन दो दो बार यहाँ कोशिश किया गया, लेकिन दोनों बार आवाज दबा दी गई, लेकिन हम लोग को एकदम पूर्ण विश्वास है कि योगी जी के सरकार में जिस तरह हर गंदे कामों पे गुलडोजर चला, इस गाँव में भी गंदगी पे उनका गुलडोजर चलेगा और इस गाँव से गंदगी खत्म होगी। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? हमारे घर में हमारे 5 भाई हैं, हमारे अब्बू हैं, अम्मी। शादी हुई है ना? जी, मेरी शादी। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। लड़की है? लड़के? 3 लड़के हैं, 2 लड़कियां। अच्छा, लड़कियां को जब शादी वादी के लिए गए थे रिश्ता ढूंढने, जब बताए थे कि इस गांव का हूं मैं, तो क्या उनके वो क्या रिप्लाई किए वो लोग? जी, ऐसी बात है कि अभी हमारी लड़की शादी करने योग्य नहीं है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। लेकिन कुछ लोग जो गांव के जाते हैं कहीं शादी विवाह करने के लिए, तो मैटर यही फंसता है कि ठीक है, हम बसुका से शादी करेंगे लेकिन बारात वहाँ नहीं लाएंगे, बारात उस गांव में नहीं लेकर जाएंगे, बारात नहीं लाएंगे, हम मैरिज हॉल से कहीं भी पीट करके किया जाए। तो हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग जितने मैरिज हॉल करेंगे उतने में शादी करना, तो कहाँ करेंगे? तो ये ऐसी बात है कि इसलिए हम लोगों ने आवाज उठाई कि 2-4-5 लोगों के लिए जो ये गाँव बदनाम है,
ये जो दो चार पांच लोग यहाँ से खत्म करें और जो इनको करना है बुढ़िया बस्तर लेकर चले अपना हटे यहाँ। मैं हमारे कहने का एक मतलब नहीं कि ये गांव छोड़ दें, अगर इनको गलत काम जो करना है तो जहाँ कहीं शहरों में जहाँ कहीं भी इसका एरिया बनाया गया है वहाँ जाके करें, इनसे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गाँव में ना करें। ये सोचिए दर्शकों, ये देखिए छोटा सा बच्चा है, ये बच्चा भी जानकार नहीं है अभी, कुछ ज्यादा कुछ जानता नहीं है, लेकिन ये बच्चा जैसे ही धीरे धीरे बड़ा होगा, आप सोच सकते हैं ये बच्चा हम लोगों की बातें सुन रहा है, आने वाले टाइम में ये भी बच्चा, इस बच्चे के ऊपर हो सकता है अगर बच्चे का जो दिमाग है अगर मजबूत होगा, अगर अच्छी अच्छी सोच होगी, ये अच्छी अच्छे से सोच पाएगा, मजबूती से सोच पाएगा, तो ये बच्चा बेकार नहीं होगा। अगर ये बच्चा थोड़ा बहुत भी लापरवाही करेगा, समझ रहे हैं, गंदे विचार अगर मन में लाया या सुना, देखिए जब आसपास में गलत चीज़ें होती हैं तो फिर बच्चों के अंदर भी असर पड़ता है। असर पड़ता ही पड़ता है। एक कहावत है कि जैसन रहन तैसन सहन, यानी कहने का मतलब है कि जैसा जैसी सोसाइटी रहेगी, जैसा मोहल्ला रहेगा, जैसा गाँव रहेगा, बच्चों पर उसका असर पड़ेगा। अगर एक घर में अगर डॉक्टर बन जाता है तो हर बच्चे के अंदर एक सोच होती है कि यार हमारा पिता डॉक्टर तो हम भी डॉक्टर बने, तो इन लोगों की वजह से नकारात्मक सोच आगे बढ़ रहा है। वही चीज ना, आने वाला आने वाली पीड़ा भविष्य जो हमारे ये बोल रहा है, अच्छा पहले क्या उससे मतलब नहीं है। हमारे कहने का मतलब है कि जब भी जगनी तब भी सवेरा, यानी हमारे कहने जब जागो तभी सवेरा, तो जब जी क्या हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन अब परिवर्तन हो, बदलाव हो, अगर ये लोग अगर सही काम कर रही है तो इनके घर के लड़के आके मीडिया के सामने बोल दे कि नहीं हमारी बहन सही कर रही है। अब सोचो, अच्छा बच्चे से पूछ, क्या नाम है बेटा? एमडी कैफे। अच्छा बच्चा, बेटा तुम देखते हो यहाँ पर ये सब जो काम होता है, मुजरा वगैरह बाजा वाजा बजता है, जो यहाँ पे मुजरा होता है, हमारे प्रधान सुवली जी पे आरोप लग रहा है कि 2 लाख 3 लाख 5 लाख सारा सिसल गलत है, इसीलिए कदम हटाए और कदम पीछे नहीं हटा रहे हैं। अच्छा यहाँ गलत काम होता है बेटा? गलत काम होता है, गलत काम होता है, वेश्यावृत्ति होता है। हाँ, किस क्लास में हो आप? 7 में। अब सोचिए बच्चा बता रहा है, ये बच्चा तो झूठ नहीं बोलेगा ना, बच्चा तो झूठ नहीं बोलेगा ना, बच्चे जो होते हैं बच्चे मन के सच्चे होते हैं और बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। अब सोच सकते हैं उस बच्चे को भी पता है कि हमारे गांव में गलत काम होता है, तो ये काम गलत अगर हो रहा है तो कब तक होता रहेगा, अगर हो रहा है तो कब तक होता रहेगा, क्या इसका अंत नहीं है, इस गलत काम का अंत नहीं है? अगर हम आपसे यही कहेंगे, एसएसपी महोदय, डीएम महोदय, हम आपसे यही कहेंगे, अगर ऐसा होता है यहाँ पर आप छापा मारिए, देर रात छापा मारिए, अगर ऐसा पाया जाता है तो इस पूरे घर को, ये जो ये लोग जो कर रहे हैं, ये पूरी तरह से इन मकानों को सील करिए। सही कह रहे हैं हम? नहीं नहीं, मैं आपकी बातों से संतुष्ट हूँ। ये लोग अगर गलत करें तो गलत कर रहे हैं, प्रूफ है, अगर छापा मारा जाए, अगर गलत नहीं करते तो ये आवाज दूर तक उठ के नहीं। अच्छा, कहा ये जा रहा है कि वीडियो भी वायरल हो रहा है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ हाँ, 4 महीने पहले लोग, यही तो मुद्दा हुआ कि देखिए पहले सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, 4 महीने पहले व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू गंदे गंदे वीडियोज, इनका फोटो वायरल होने लगा, तो लोग भाई अगल बगल गाँव के, यार बस्तु का पहले तो वैसे था लेकिन उतना खुला नहीं था, लेकिन आज मोबाइल के थ्रू आ रहा है, तो लोगों के अंदर एक उत्तेजना उठी कि यार हमारा गांव, यार हम एक आदमी गलती कर रहा है, एक मछली पूरी तालाब को गंदी बना दी है, तो लोगों ने गांव के सारे लोग आए प्रधान जी के पास, बोले प्रधान जी ऐसी ऐसी बात है, प्रधान जी का गलत हो रहा है तो हम आपका साथ देंगे, बस यही बात है। और इसके बाद देखिए आदमी कैसा है ना, कि अगर चोर को चोर कहिएगा ना तो आप पे उंगली उठाएगा, ये तो बात है, तो बस वही बात है, हमें बस न्याय चाहिए जी, गांव में ये काम बंद हो जाए। गांव वाले बहुत दुखी हैं ये सब चीजों के लिए, बहुत काफी दुखी हैं, शर्म लगने लगती है, आंखें नम हो जाती है जब कोई पूछता है गाँव कहाँ है, पूरा गाँव की बेटियों को बेटियों का शादी होने में, सपोज डेट अगर एक भूमिहार से लेके हमारी छोटी जाति से लेके अगर किसी लड़की की शादी होती है, अगर वो लड़की हल्का फुल्का अगर बहस कर लेती है अपने वहाँ पे ससुराल में, तो ताना मार दिया जाएगा, तुम्हारा गांव ही ऐसा है, तू बोल भी दरअसल उहे गांव का नहीं तो तोरा में उहे लक्षण बा। ये ये यही चीज, यही वजह है कि ये लोग चाहते हैं कि बंद हो ये काम, और ये काम अगर हो रहा है तो बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ वासुका गांव बदनाम नहीं हो रहा है, वासुका के लोग बदनाम नहीं हो रहे हैं, बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश बदनाम हो रहा है इस गाँव के कारण। अगर ऐसा है तो ये काम बंद होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।